अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ से क्लास 10 की जिसका यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का आज क्वेश्चन 3 करेंगे। इसके दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3.1 और 3.2 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उनको देख लें ताकि ये क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो। चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मैं नहीं कहता अक्सर इसको, लेकिन आज कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा देखें इसको। तो ये देखें, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, प्रूव दैट, साबित करना है कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान बी डी। तो हमने लेट इसको ले लेते हैं जो हमें मिला हुआ है गिव, ये ए रेशो बी। प्रोपोर्शन सी रेशो डी, तो रेशो ख़त्म करेंगे तो ये ए अपान बी आ जाएगा इज इक्वल टू ये सी अपान डी आ जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं के इक्वल। अब फर्दर अलग अलग करेंगे तो ए अपान बी इज इक्वल टू के, तो बी डिवाइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो ए इज इक्वल टू बी के हो जाएगा और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1। इसी तरह इसको भी हम करेंगे तो ये सी अपान डी इजिकल टू ये हो जाएगा के, तो ये सी इजिकल टू बन जाएगा डी के और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2। तो जो हमें रकम दी हुई है कि ये जो प्रूव करना है इस पे इसको हम पुट करेंगे। तो पहले लिखते हैं जो प्रूव करना है हमें, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए सी इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान बी और डी। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर की, क्योंकि अब यहाँ तो हमने वैल्यू पुट करनी ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ए और सी है ही नहीं, तो इसको सेम एज इट ही उतारते जाएंगे या इसको ना उतारना चाहें तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करें और ये हमारा आंसर आ जाए। तो इस तरह करते हैं कि ए की चीज़ को ले आते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है बी के, ए स्क्वायर है तो इसको भी हम ए स्क्वायर कर देंगे, माइनस सी की वैल्यू भी है डी के और इसको भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ भी सेम ए की वैल्यू है बी के और मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में निशानी नहीं है, मल्टीप्लाई की निशानी है, सी की वैल्यू है डी के। ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर और ये माइनस, ये हो जाएगा डी स्क्वायर और ये हो जाएगा के स्क्वायर और अपान, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बी टी और ये के स्क्वायर, क्योंकि बी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे बी टी होगा और के को के से मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए के स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो बाकी हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर से ये के स्क्वायर काम निकलेगा, तो ये हमारे पास बचा बी डी और ये के स्क्वायर के। तो यहाँ देखें के स्क्वायर आपस में ख़त्म हो गया तो हमारे पास क्या बचा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और अपान बी डी। तो यही हमने प्रूव करना था, ये देखें मिला हुआ है, ये हमने प्रूव करना था तो ये प्रूव्ड हो गया। तो इसको हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के प्रूव्ड। तो ये था तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।